देश के 8 राज्यों की 58 सीटों लोकसभा के लिए मतदान हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के इस चरण में कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, जहां कई दिग्गज नेताओं का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। क्या वो दिग्गज अपनी साख बचा पाते हैं? न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मुद्दा देश का और आज मुद्दा देश का में छठे चरण की बात हम करेंगे। शनिवार का दिन है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी, शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। वोटिंग परसेंट वैसा ही रहा जैसा पिछले कुछ चरणों में हम देख रहे हैं। देश के 8 राज्यों की 58 सीटों लोकसभा के लिए मतदान हो चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सभी 7 सीटों, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो चुका है। अगर राज्यों की बात करें तो इस चरण में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतदान हुआ। इसके अलावा बिहार की 8 सीट, झारखंड की 4 सीट, ओडिशा की 6 सीट, उत्तर प्रदेश की 14 सीट और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान हुआ है। ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा के लिए भी मतदान कराया गया। शनिवार को ओडिशा की 42 सीटों पर मतदान हुआ। ओडिशा में 4 चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ है। यहां 13 मई और 20 मई को 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और 25 मई को तीसरे चरण का भी मतदान हो चुका है। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के इस चरण में कई महत्वपूर्ण सीटें रहीं, जहां कई दिग्गज नेताओं का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। आइए हम आपको बताते हैं कि छठे चरण से जुड़ी कुछ अहम वो बातें जो शायद ही लोगों तक पहुंची होंगी, और साथ ही ऐसे दिग्गजों, राजनेताओं, उनकी सीटों के बारे में जो चरण में चुनावी समर में महत्वपूर्ण रही। आम चुनावों के साथ ओडिशा समेत 4 राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुआ। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ और इसी महीने 13 मई को आंध्र प्रदेश के सभी 175 सीटों पर मतदान हुआ। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शनिवार को हुआ। सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार में 40 और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। कुल 96.8 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं। इनमें से 47.1 करोड़ महिलाएं हैं, 49.7 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं। छठे चरण के 58 में नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, आजमगढ़ की प्रमुख सीटें हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर की अनंतनाग, रजौरी, पश्चिम बंगाल की तामलुक, मोदिनपुर, हरियाणा की करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक और ओडिशा की भुवनेश्वर, पुरी और संबलपुर सीटें प्रमुख रहीं। पुरी लोकसभा, संबित पात्रा बीजेपी के मुखर प्रवक्ता हैं, वो ओडिशा से आते हैं और पुरी संसदीय सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में भगवान जगन्नाथ पर की गई उनकी टिप्पणी से विवाद पैदा हो गया था, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। संबलपुर सीट, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ओडिशा में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। अनंतनाग रजौरी सीट, जम्मू कश्मीर की अनंतनाग रजौरी सीट से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में है, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस में मियां अल्ताफ को उतारा गया है। सुल्तानपुर सीट, उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर सीट से दोबारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी खड़ी हैं। इस बार उनके बेटे वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। कुछ दिन तक चुनाव प्रचार से दूर रहने के बाद वरुण ने अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। करनाल सीट, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने हरियाणा के करनाल सीट से मैदान में उतारा है। मौजूदा किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को पंजाब से लगे क्षेत्रों में विरोध का सामना करना पड़ा और खट्टर को भी चुनौती से दो चार होना पड़ा। दिल्ली में घमासान, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। यहां 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। नई दिल्ली से भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज मैदान में है। वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, वे पेशे से वकील हैं। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता हैं और नई दिल्ली लोकसभा सीट के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे हैं। उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से बीजेपी के वर्तमान सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार आमने सामने हैं। यूपी में आजमगढ़ सीट उत्तर प्रदेश की चर्चित सीटों में से एक है, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन वहां से अखिलेश यादव की सीट खाली करने के बाद हुए उपचुनाव में
बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ नैयर मुलायम सिंह परिवार के सदस्य धर्मेंद्र सिंह से जीत गए थे। इस बार भी धर्मेंद्र यादव मैदान में है। पश्चिम बंगाल से पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मार्च में इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ले ली थी और पार्टी के उन्हें तामलुक के पार्टी का कैंडिडेट बना दिया था। नवीन जिंदल उद्योगपति और कांग्रेस से सांसद रहे नवीन जिंदल ने हाल ही में पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया था और बीजेपी ने उन्हें कुछ ही घंटों बाद कुरुक्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके अलावा छठे चरण की दौड़ में राज बब्बर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और अपराजिता सांगिया जैसे नाम प्रमुख हैं। चुनाव के चरण में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के घटक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसके बाद आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। ये चरण कई कारणों से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में जेल जाने के कुछ दिन बाद चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक के लिए जमानत पर रिहा किया गया है। चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी को राहत, इंडिया गठबंधन को एक स्टार प्रचारक मिला। आम चुनाव को 7 चरणों में कराया गया है। इसके 5 चरण के मतदान 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को कराए गए थे और इसका 6ठा चरण आज यानी कि 25 मई को हुआ है और इसका आखिरी चरण 1 जून को किया जाएगा। लेकिन छठे चरणों में जो महत्वपूर्ण सीटें थी उसका जिक्र हमने किया है। अब देखना यह है कि क्या वो दिग्गज अपनी साख बचा पाते हैं। मुद्दा देश का हमें आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे और किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।